अखिलेश यादव पूर्वांचल में बागियों से बहुत परेशान हैं। भूमिहार नेता नारद राय समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए तो पूर्व विधायक भी अखिलेश यादव का गणित जो है वो बिगाड़ेंगे। असल में बात सिर्फ एक सीट की नहीं हो रही बल्कि पूर्वांचल की लगभग 5 सीटों पर अखिलेश का कैलकुलेशन बागियों की वजह से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे अखिलेश यादव अपनी ही वीक स्ट्रैटेजी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। बलिया के कद्दावर नेता नारद राय ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। चंदौली के पूर्व सपाई सांसद अखिलेश के साथ मंच पर नहीं दिखे। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लिया गया और बस्ती के राजकिशोर सिंह साइकिल छोड़ भगवा हो गए। जिस पूर्वांचल को अखिलेश यादव अपने लिए 2024 के चुनाव में बूस्टर डोज मान रहे थे, क्या वहाँ बैक टू बैक गलतियां कर रहे हैं? क्या पूर्वांचल की जीती हुई बाजी अखिलेश अपनी वीक स्ट्रेटजी की वजह से हारते दिख रहे हैं? और मदद भी करता हूँ, तत्काल ठोक करता हूँ और विरोध भी करूँगा तो ताल ठोक। गृह मंत्री अमित शाह के साथ नारद राय की मुलाकात की ये तस्वीर बलिया में समाजवादी पार्टी की हार की स्क्रिप्ट लिख सकती है। अमित शाह के साथ पूर्व सपाई विधायक राम इकबाल सिंह की मुलाकात बलिया में अखिलेश के कैंडिडेट को हरा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बलिया में भूमियार वोटर 1,50,000 के आसपास है। घोसी में भूमियारों का आंकड़ा लगभग इतना ही है। गाजीपुर में इनकी संख्या करीब 2 लाख है। वाराणसी में भी भूमियार करीब 1.5 लाख है। चंदौली लोकसभा इलाके में भी 50 से 60 हजार भूमियार वोटर माने जाते हैं। बीजेपी को लगता है कि 3 दिन पहले तक अखिलेश यादव के साथ मंच पर दिखने वाले नारद राय एक्स फैक्टर हो सकते हैं। इसके अलावा अवधेश राय और कृष्णानंद राय से सहानुभूति रखने वाले वोटर भी बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे हैं। नारद राय समाजवादी पार्टी से लोकसभा का टिकट मांग रहे थे लेकिन अखिलेश यादव ने उनके बजाय सनातन पांडे को चुना। साइकिल का साथ छोड़कर खुद को मोदी का परिवार बताने वाले नारद राय का दावा है कि अफजल अंसारी की वजह से उनकी नहीं सुनी गई। और फिर बलिया में जब रैली हुई तो अखिलेश यादव से काफी देर तक मंच पर उनकी बहस भी होती रही। ये वही नारद राय हैं जो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच पार्टी को लेकर हुए झगड़े में मुलायम के साथ खड़े दिखे थे। और जब 4 दशक बाद साइकिल मार का सियासत छोड़ भगवा हो रहे हैं तो 10,000 लोगों के साथ ऐलान कर दिया कि बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। किसी ने अगर हमसे कह दिया होता तो हो सकता था यह फैसला मैं नहीं लेता, लेकिन हमको जब यहाँ का संगठन, यहाँ का उम्मीदवार माननीय अखिलेश यादव से मिल करके हमको अपमानित कराया तो हमारे पास कैसे आएगा। इसलिए हमने तय कर लिया कि अब हमारा समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। कभी अखिलेश यादव के साथ अपनी तस्वीर शेयर करने वाले राम इकबाल सिंह भी बागी हो गए हैं और वो घोसी में साइकिल को डेंट पहुंचाने में जुट गए हैं। राम इकबाल सिंह को ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से मिलाया और फिर बेटे अरविंद राजभर के समर्थन में वोट मांगने की अपील की। घोसी में अखिलेश ने भूमियार कैंडिडेट उतारा है, इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी इस समीकरण से उलटफेर कर सकती है। कोई माफिया की हिम्मत नहीं है कि गरीबों की भूमि को कब्जा पाए, किसी की हिम्मत नहीं है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी। पूर्वांचल में बीजेपी 3 तरह की रणनीति पर काम कर रही है। पहला है मोदी मैजिक, दूसरा है योगी का एजेंडा और तीसरा है अमित शाह का प्लान। पिछले कुछ दिनों से देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार पूर्वांचल में डेरा डाले हुए हैं। वह अखिलेश यादव के बागियों से लगातार मुलाकातें भी कर रहे हैं। उनके दिमाग में पूरे पूर्वांचल का जातीय फैक्टर घूम रहा है और इसीलिए अखिलेश विरोधियों को ये मैसेज पहुंचाने में देर नहीं कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे पूर्वांचल के नेता राजकिशोर सिंह का बस्ती में अच्छा खासा प्रभाव है। राजपूत वोटरों में उनकी पकड़ है, इसीलिए 1.25 लाख राजपूत वोटरों पर फोकस करते हुए राजकिशोर सिंह और उनके भाई ब्रिजकिशोर सिंह को बीजेपी में एंट्री दिला दी। और फिर योगी के मुकाबले अखिलेश की बस्ती रैली में पहुंची कम भीड़ ने उनकी उम्मीदों को बहुत तगड़ा झटका दिया है। आज कोई दंगा कर देगा क्या? आज कोई ढोल यात्रा रोक पाएगा क्या? आज कोई गौकशी कर देगा क्या?
आज किसी बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे कोई सेंध लगा पाएगा क्या? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है अगर लगाएगा तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतेगा। कहा तो अखिलेश यादव पूर्वांचल में क्लीन स्वीप का दम भर रहे हैं, और आलम यह है कि लास्ट फेज आते आते कलह कथा के फेर में उलझ गए। अखिलेश को चिंता सता रही है, जिस तरह 2019 में उनकी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट इन 13 में से किसी भी सीट पर नहीं जीत पाया था, कहीं इस बार वैसा ही रिजल्ट रिपीट न हो जाए। गाजीपुर जैसी सेफ सीट पर भी अखिलेश यादव डरे डरे से हैं, तभी तो माफिया मुख्तार अंसारी का नाम नहीं ले सके, जबकि योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में खुलेआम माफिया फैमिली पर अटैक कर रहे हैं। जब से चुनाव शुरू हुआ है लगातार गर्मी बढ़ती चली जा रही है, और कई जगह की सूचना मिल रही है देश में कि 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है, 50 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। अगर कोई यहां भी तापमान मानेगा और देखेगा नापेगा तो मैं समझता हूं राजनीतिक तापमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा यहां पर दिखाई दे रहा है। मैं यूपी में कहीं दंगों का नाम सुना है क्या? आज यूपी में दंगा नहीं होता है, नो कर्फ्यू नो दंगा, क्योंकि यूपी में है सब चंगा। आपकी ताकत मोदी जी के साथ, देश की ताकत मोदी जी के साथ, आज एक कारण है। अभी मैं देख रहा था, अब आपको गोरखपुर जाना होगा थोड़ी देर से 10 मिनट की दौड़, वाराणसी जाना होगा 2 घंटे में वाराणसी। गाजीपुर में मुख्तार फैक्टर हावी है, लेकिन सियासी जानकार बताती हैं कि अखिलेश ने गाजीपुर की रैली में मुख्तार का नाम लेकर एक नया दांव चला है, जिसके पास होने के भी चांस हैं और फेल होने की भी संभावनाएं हैं। अफजल अंसारी यादव मुस्लिम और दलितों की बदौलत 55% वोट का दावा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी भूमियार और ठाकुरों के बीच सियासी बैलेंस बनाने की कवायद कर रही है। नारद राय की एंट्री कैलकुलेशन में बीजेपी को फायदेमंद हो सकती है, क्लोज्ड फाइट में अफजल अंसारी का गणित गड़बड़ा सकता है। आपने एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ से सांसद बना दिया जो ना प्रधानमंत्री जी के पास जा सकता है, ना हमारे मुख्यमंत्री जी के पास जा सकता है कि हमें गाजीपुर के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए विकास की यह योजना चाहिए। कहीं जा सकता है क्या व्यक्ति? जोर से बताओ, जा सकता है क्या? और श्री अखिलेश यादव जी को और कोई नहीं मिला गाजीपुर में, ना कोई अजवंशी मिला, ना कोई सूर्यवंशी मिला, उनको कौन मिला? अफजल नाम है ना, अफजल अंसारी मिला। अखिलेश यादव की दिक्कत चंदौली को लेकर भी है, वजह बीजेपी कैंडिडेट नहीं बल्कि अपनों की बगावत है। चंदौली के पूर्व सांसद रामकिशोर यादव टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं, वो अखिलेश यादव की रैली में मंच पर नहीं आए। 2019 में भी उनके करीबियों ने साइलेंट तौर पर बीजेपी को सपोर्ट किया था। कहा जा रहा है कि रामकिशोर की नाराजगी से चंदौली में MY समीकरण काम नहीं कर रहा है। चंदौली में 2,75,000 यादव वोटर हैं जो बट सकते हैं। मुस्लिम वोटर भी समाजवादी पार्टी और BSP में बटे हुए बताए जा रहे हैं। राजभर, निषाद बिंद, पटेल कुर्मी, मौर्य कुशवाहा, वोटरों का रुख NDA की तरफ है, और फिर वाराणसी से सटे होने के कारण यहां मोदी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। बीजेपी को लगता है कि मोदी की वजह से यहां हैट्रिक लगाना आसान हो जाएगा। चंदौली वो सीट है जहां बीजेपी के महेंद्र पांडे को 47.02% और SP के प्रत्याशी को 2019 में 45.74% वोट मिले थे, जब जीत का अंतर महज 13,959 वोट था। हालांकि अब यादव समुदाय की नाराजगी और मायावती का अलग होना अखिलेश को टेंट पहुंचाने की वजह बन सकते हैं। ये अलग बात है कि अखिलेश इन पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब हमारे आपके संकट के दिन खत्म होने जा रहे हैं। संकट के दिनों के लिए केवल एक हफ्ता बचा है, 4 जून को परिणाम दूसरा आने वाला है। परिणाम को 4 जून को परिवर्तन का परिणाम आने वाला है। मोदी जी की ताकत और योगी जी की ताकत तो आती है ना, जब आप कमल चुनाव चिन्ह पे वोट देते हैं, हमारा सांसद और विधायक चुन के जाता है,
तो बैनर भाइयों, यही सांसद हमारी ताकत बनता है, यही विधायक हमारी ताकत बनता है और उसके बल पर तब विकास भी आता है। 4 जून को अखिलेश यादव जब पूर्वांचल के पन्ने पलटेंगे तो बहुत मुमकिन है कमजोर पड़ रही इन कड़ियों का भी आकलन करेंगे और फिर बागियों को कोसने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि पूर्वांचल की इन सभी सीटों पर 2019 में क्लोज फाइट थी, जहां मोदी की लहर में आगे साइकिल पंचर हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।